पत्र लेखन फॉर क्लास 12th, हिंदी में पत्र लेखन किस तरह से करेंगे और एक पत्र लिखने का मैं नमूना यहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोहल्ले, सड़कों, गलियों आदि की गंदगी को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को पत्र लिखिए। इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से आप पत्र लेखन करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इस नमूने में सेवा में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और या कुछ भी, कोई भी जगह, कोई भी पता आप डाल सकते हैं। विषय, मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु। प्रार्थना पत्र, महोदय मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। शहर में बनी हुई नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं और उनके आसपास कूड़ा गंदगी के ढेर जमा हैं। टूटी नालियों से निकलने वाला गंदा पानी गंदगी के ढेर को सड़ाता है और अनेक बीमारियों को आमंत्रित करता है। सफाई कर्मी की नियुक्ति न होने के कारण यह दुर्दशा बनी हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्या के निस्तारण हेतु तुरंत सफाई कर्मियों की नियुक्ति करें तथा इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। एक बार फिर देख लीजिए। सेवा में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और या विषय, मोहल्ले की गंदगी को दूर करने हेतु। प्रार्थना पत्र, महोदय मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। शहर में बनी हुई नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं और उनके आसपास कूड़ा गंदगी के ढेर जमा है। टूटी नालियों से निकलने वाला गंदा पानी गंदगी के ढेर को सड़ाता है और अनेक बीमारियों को आमंत्रित करता है। सफाई कर्मी की नियुक्ति न होने के कारण यह दुर्दशा बनी हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्या के निस्तारण हेतु तुरंत सफाई कर्मियों की नियुक्ति करें तथा इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। अभी इस तरफ उस पेज में जगह नहीं थी, हमने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ क्या करेंगे, ठीक नीचे बाएं तरफ दिनांक डालेंगे। कोई भी दिनांक, मैंने 20/3/2022 डाल दिया है, या कोई भी दिनांक, आगे की दिनांक, डेट, उसके बाद में अवधि, आपका आभासा या उपरोक्त या उपयुक्त जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह से आप इस पत्र को लिखेंगे और पत्र लिख करके अगर इस तरह से आप एग्ज़ाम्स में पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।